आज का टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल सिंपल एंड स्वीट तरीके से देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है भैया, ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी वो गर्म हो रही है। बिल्कुल भी मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि पृथ्वी गर्म हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बस, ठीक है, पृथ्वी गर्म हो रही है, ये होता है ग्लोबल वार्मिंग। ओके, एंड लेकिन ये हो क्यों रहा है, कारण क्या है इसका, ग्लोबल वार्मिंग का? तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण कि ये जो है सूर्य, सन, ठीक है, ये आ रही है इसकी किरणें, सन की आ रही है किरणें हमारी पृथ्वी पर, ये हमारी है पृथ्वी, सूर्य की किरणें जो है या सूर्य का जो प्रकाश है वो आ रहा है हमारी पृथ्वी पर, ये है पृथ्वी, इसके अंदर आ रहा है वो प्रकाश, किरणें आ रही है इस टाइप से, ठीक है। अब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ रही है इस तरीके से, तो क्या है कि कुछ गैसेस हैं, कुछ गैसेस हैं जैसे कि CH4, CFC, NO2 और CO2, मैथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन गैसों को अपने बोलती है ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। ये क्यों अवेलेबल है, क्योंकि ये पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है आजकल, तो इस कारण से ये अवेलेबल है, ठीक है। तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और CO2, ये गैसेज हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, तो जब ये सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है तो ये वापस भी अवशोषित होती होगी। तो जब ये आ गई मान लो, और जब ये वापस अवशोषित हो रही है, तो क्या होता है कि ये जो गैसेस होती है ये इन किरणों को अवशोषित कर लेती है अपने अंदर। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं अपने, क्या होता है, कि जैसे कि मान लो ये CFC है, ये CO2 है, ये NO2 है यहाँ पर, तो जैसे ही ये सूर्य की किरणें वापस जाती है पृथ्वी से बाहर, तो इनको क्या होता है कि ये गैसें होती है ये इनको अवशोषित कर लेती है पृथ्वी के अंदर ही, रोक लेती है इसको, ठीक है। तो जैसे ही इसने रोक लिया तो क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ने लग जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। जब ऐसा धीरे धीरे लगातार होता रहता है तो पृथ्वी का तापमान जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ जाता है तो इसको क्या कहती है, ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। इसके इफेक्ट ग्लेशियर पिघलना या ओजोन परत का नष्ट होना भी इसी का ही इफेक्ट है, ठीक है। तो ये अपना सिंपल वे से ग्लोबल वार्मिंग समझा दिया क्या होता है, ठीक है।